अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ एचडी और मैं हूं परा शाहिद। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब खबर शामिल करेंगे भावलपुर से, जहां पे ब्यूरो चीफ भावलपुर सलीम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर में कमसिन बच्ची की डेड बॉडी मिलने का मामला डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरा मुतासर खानदान के घर पहुंच गए। मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी, गम की इस खड़ी में आपके साथ खड़ा हूं। खुद रोजाना की बुनियाद पर इस केस का फॉलो अप लूंगा। गुज़िश्ता रोज हासिलपुर में कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती और कत्ल का मामला, जिसका मुकदमा दर्ज करके 6 नामजद मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान मुतासर खानदान के घर पहुंचे और इनके गम में शरीक हुए। डीपीओ ने मुतासर खानदान को मुकम्मल इंसाफ और मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी भी करवाई। डीपीओ ने इन्हें केस में होने वाली पेशरफ से आगाह किया और कहा कि किसी भी हवाले से कोई इशू हो तो फौरी मुझसे रब्ता करें, मैं हर हवाले से आपका साथ दूंगा। डीपीओ ने कहा कि मैं रोजाना की बुनियाद पर खुद इस केस को फॉलोअप और रिपोर्ट लूंगा। मेरिट को मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम पहलुओं से तफ्तीशी और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे जराइम मुआशरे की बदअमनी और ऐसे अनासिर का घिनौना चेहरा सामने लाते हैं। गिरफ्तार मुजरिमान को कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए और तमाम तकनीकी सहूलियात को बरूए कार लाते हुए निशाने इबरत का बनाया जाएगा। डीपीओ ने चाय वकुआ का विजिट किया और एसटीपीओ और एसएचओ से तफ्तीश बराए इस्तफसार किया। डीपीओ ने जिलाभर के पुलिस अफसरान को एहतियाती तौर पर ऐसे वाकयात की रोकथाम के हवाले से इकदाम करने की सख्त हदायत की।